तो अभी हम लोग आए हैं मंदिर, जो नदी के बीचों बीच मंदिर है भोलेनाथ के मंदिर में। बघू बिल कॉम्प्युटर मध्ये बघावं लागेल मी आता महादेवाला संगमेश्वरला। तो हमारे महाराज जी फोन पे बात कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो ये वीडियो सोमवार का है, लेकिन मेरा फोन खराब हो गया था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो हम लोग आए हैं मंदिर, संगमेश्वर महादेव मंदिर आए हैं, भोलेनाथ के मंदिर। आज सबकी इच्छा भोलेनाथ पूरी करे, आप पे भी, आपको भी। ये देखो संगमेश्वर महादेव। हम शाम के टाइम आए जब हल्की हल्की बारिश थी। नंदी जी विराजमान है बाहर और प्रवेश कर रहे हैं हम मंदिर के अंदर। यहाँ पर बहुत बड़े नंदी जी है, ये बहुत बड़े। मुझे ना जब भी मैं मंदिर जब भी आती हूँ ना, तो मैं नंदी जी को देख के ये सोचती रहती हूँ कि कितने बड़े हैं नंदी जी, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जो वो बांसुरी की आवाज़ आ रही है ना, तो अंदर एक भक्त वो बैठ के बजा रहे हैं, भक्त भैया बजा रहे हैं अंदर। वो बांसुरी की आवाज़ है, बहुत मीठी बांसुरी बजाते हैं। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ के। पहले भैया से मिलवाते हैं। ये देखिए बांसुरी बजा रहे हैं, ये देखो शाम के टाइम में। ये भी भोलेनाथ का बहुत प्रिय भक्त है, इतनी मीठी बांसुरी बजाते हैं। मैं भी काफ़ी देर तक सुनती रही, वो बहुत मीठी बजा रही है। देखो बजा रहे हैं अपने मुंह से, और फोन में भी जो म्यूजिक है ना वो फोन में से दे रहे हैं, लेकिन बांसुरी ये खुद बजा रहे हैं, बहुत मीठी बजा रहे हैं। चलिए हम अंदर बढ़ते हैं, आगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह सुबह भीड़ रहती है। ये देखिए द्वार खुला ही है, हम भी दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। सबकी इच्छा पूरी करे, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हो, जय हो, जय हो भोलेनाथ। एक कलश है, बहुत ही प्यारी शिवलिंग है। ये स्थापित नहीं है, ये जमीन में से, यहाँ से मतलब नदी में से प्रकट हुई है, वो वाली शिवलिंग है। तो यहाँ गणपति जी भी बैठे हैं। कैसा लगा वीडियो? लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक बाय।